it has started really affecting my mental health. Good morning, you guys. Welcome back to my channel. I am Stuti and I am vlogging today. Today is 3rd August and today is Monday. वैसे तो आज रक्षा बंधन है, so happy रक्षा बंधन to all of you those who are celebrating. And also आज मेरे कॉलेज का first day है, मतलब क्लासेस नहीं शुरू हो रहे हैं, but आज है एक इनॉग्रेशन सेरेमनी, so I'm quite excited about it because एक नई लाइफ शुरू होने वाली है and you know कॉलेज वाली लाइफ फिर से शुरू होने वाली है, so I'm quite excited, but हम कॉलेज तो अभी नहीं जा सकते हैं, हमारा जूम कॉल में ही सब कुछ हो रहा है, so it's kind of awkward actually कि ऐसे कभी नहीं हुआ था कि first day of college हो and you know you are interacting through Zoom, it's quite awkward. Let's see how it goes. वो 10 बजे है, अभी 9 बज चुके हैं, मैं 8 बजे से उठ चुकी थी, मैंने काढ़ा बनाया, मम्मी को दिया, मैंने भी काढ़ा ले लिया है and also आज हम चाय नहीं ले रहे हैं. And you know what, हमें formals पहनना है आज. मुझे लग रहा था हम ऐसे ही casually बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें formals पहनना है आज. तो मैंने वो भी sort out नहीं किया है कि मुझे क्या पहनना है. अभी मैं नहाने जाती हूँ, उसके बाद मैं breakfast बनाऊंगी. मेरी मम्मी का तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए I have to take care of her as well and उनको भी मुझे breakfast बना के देना पड़ेगा. So 10 बजे से शुरू है, अभी तक मैं बहुत ज़्यादा late हो चुकी हूँ, so let's rush. Hi guys, so I'm all ready now and this is what I'm wearing. As I said, मुझे formals पहनना था तो मैंने सोचा white भी पहन लेती हूँ. White shirt ये मैंने Ajio से लिया था, थोड़ा सा loose है तो मैंने इसको in कर दिया है and नीचे मैंने ये trousers पहने हैं, formal trousers. This is what it looks like and yeah, हमेशा business formals में white बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा मैं यही पहन लेती हूँ. सो या लेट्स स्टार्ट. अभी और आधा घंटा बचा है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मम्मी बना रही हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो बना रही हैं. सो लेट मी गो एंड हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल कैच यू गाइस. Hi guys, so just had my breakfast and अभी मैं बैठने वाली हूँ. 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, बट स्टार्ट नहीं हुआ है, सो लेट्स गो. एंड पता नहीं कितने बजे तक चलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, सो लेट्स गो, लेट्स रश. आई एम क्वाइट एक्साइटेड बट आई रियली डोंट नो कि क्या होने वाला है. सो माई इनॉग्रेशन सेरेमनी इज करेंटली गोइंग ऑन एंड बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक हमारे बैच के ही हैं लेकिन बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं एंड डीन, फिर सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग प्रोफेसर्स, वो सब आए हुए हैं. अभी बहुत सारा सॉन्ग्स भी प्ले हो रहा है. इट्स कम्प्लीटली लाइक एन इनॉग्रेशन सेरेमनी बट यू नो थ्रू जूम. इट्स क्वाइट वियर्ड एंड ऑकवर्ड एज वेल थोड़ा सा.
सो गाइज, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है अभी एंड ये वाला जो इनॉग्रेशन प्रोसेस है आज 5:30 तक होने वाला है. हमें ये शेड्यूल नहीं आया था लेकिन अभी जस्ट मेल आया कि यू नो 5:30 तक है. आदत नहीं है तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है आज, बट कोई नहीं, आदत हो जाएगी, धीरे धीरे रूटीन में आ जाएंगे हम. सो या आई कैच यू गाइज आफ्टर सम टाइम. 1:30 से 3 ब्रेक है तो तब मिलती हूँ. एक्चुअली मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है. आई रियली डोंट नो हाउ आई मैनेज दैट. या लेट्स सी. हाय गाइस, सो अभी थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया है. एक्चुअली वो सेशन खत्म हो गया एंड इट्स ब्रेक टाइम फ्रॉम 11:30 टू 12. 12 में और एक सेशन चलेगा, वो 5:30 तक चलने वाला है. नहीं, उसके अंदर एक लंच ब्रेक भी होगा जो 1:30 से 3 होगा. तो अभी मैं फटाक से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ बिकॉज एज आई सेड माई मॉम इज़ नॉट वेल. आई हैव टू प्रिपेयर लंच. अभी मैं राइस एंड दाल वो सब बना लेती हूँ फटाक से आधे घंटे में. उसके बाद वी आर गोना जॉइन अनदर कॉल. बाय. मैंने राइस और दाल बॉईल होने के लिए रख दिया है. बाद में मैं उसको छोंक दे दूंगी दाल को, और राइस तो वैसे भी बनता रहेगा. बट यू नो आज हमारे घर में कोई भी वेजिटेबल्स नहीं है, एक भी, इवन कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है. आई रियली डोंट नो व्हाट टू कुक. सिर्फ राइस और दाल होगा. टमाटर है उसका एक चटपटा बना देंगे और खा लेंगे हम. तो मुझे आज वेजीज भी लेने जाना पड़ेगा, शाम को चली जाऊंगी. सो या लेट मी. Oh my god, I am late. Let me go and join my session. Bye. Hi guys, so it is around 2:30 right now and अभी हम लंच ख़त्म कर चुके हैं एंड मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी अभी. फिर 3 बजे, और मैंने चेंज भी कर लिया बिकॉज मुझे यू नो किचन का थोड़ा सा काम था, इसलिए मैंने चेंज भी कर लिया. अपने नॉर्मल टी शर्ट और पैंट्स में आ गई हूँ. सो या लेट मी टेक सम रेस्ट एंड आई थिंक 3 to 5 और एक सेशन है. मुझे तो आज से ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है ये ईयर. आई रियली डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, बट इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक, दैट आई एम श्योर अबाउट. Hi guys, so I'm meeting you guys after a long time. It is already 7:10, yeah, and मैं 5 बजे के बाद directly अभी आप लोगों से मिल रही हूँ. You know, मैंने चाय पिया, थोड़ा सा rest लिया. आज बहुत ही ज़्यादा laptop में देख देख के मेरा eyes बहुत ही strained हो गया था. एंड यू नो आज राखी है, और मैंने किसी के साथ बात नहीं किया था. मेरे भाई लोगों के साथ किसी के साथ भी बात नहीं किया था. भाई मतलब मेरे मौसी का बेटा, फिर यू नो चाचा के बेटे, फिर और मेरे जीजू को भी मैं राखी बांधती हूँ. तो उन लोगों के साथ मैं इस बीच कॉल करके बात कर रही थी. वीडियो कॉल में भी हम लोगों ने बात किया. सो आज तो बहुत लोग सिर्फ वर्चुअल राखी ही मना रहे हैं. वैसे तो हमेशा ही मैं उनको सेंड ही कर देती हूँ, इस बार भी मैंने सेंड कर दिया था. और यू नो यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश हो रहा है आज, मैं वेजिटेबल्स लेने भी नहीं गई. एंड सब लोग इतना स्टेटस डाल रहे हैं स्वीट्स के, तो मुझे स्वीट्स के क्रेविंग हो रहे हैं. तो मैंने मम्मी को बोला कुछ बनाते हैं, तो मम्मी कलाकंद बना रही हैं. घर में ही बन जाता है आराम से. सो वो बन रहा है अभी. एंड डिनर के लिए देखेंगे, कल मैं वेजीज लाऊंगी. डिनर के लिए पता नहीं अभी क्या करूँ. आई थिंक हम डोसा या फिर वैसा कुछ कर लेंगे बिकॉज यू नो वो पहले से ही बैटर रेडी है, तो कुछ बनाना नहीं पड़ेगा. एंड वेजिटेबल्स वैसे भी नहीं है, तो डिनर के लिए वैसे कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकती. सो या अभी मैं कल एक वीडियो मुझे पब्लिश करना है, इसलिए मैं वो एडिट करूंगी. पहले अभी मैं शाम की जो पूजा होती है वो कर लेती हूँ बिकॉज अभी तक मैंने वो भी नहीं किया है. सो या लेट्स गो एंड डू द पूजा.
गाइस, तो डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ डोसा और उसके साथ एक अलग सी चटनी। मम्मी से पूछ के मैं वो रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। जीरा ना तो ये बहुत ही डिफरेंट सा चटनी है जो मैं बनाने वाली हूँ। मैं कभी ये ट्राई नहीं किया है मैंने। इसमें जीरा, अदरक, लहसुन, फिर प्याज, टमाटर, सब कुछ डालना है इसमें। ये चना दाल है, इसको भी यहाँ पे डालना है। इसको अभी ठंडा होने के लिए रखना है, उसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। I also have to clean all of these. Mom is making kanai tama chilka. चावल का डोसा ना, चावल का डोसा और वॉट एवर, अच्छा टेस्ट आता है। बहुत सारा बन गया है, बहुत ही पतला होता है। और मेरा चटनी भी आधा बन गया है, को बस छोंक लगाना है एंड इट्स रेडी। सो गाइज, माई डिनर इज रेडी। ये देखो, मम्मी ने कलाकंद बनाया है, इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया। मेरी मम्मी को और मुझे बहुत ही ज़्यादा मीठा खाना पसंद है और ना मम्मी सब कुछ घर में ही बनाती हैं। घर में जो मिल्क आता है उसी से बनाती हैं सब कुछ, तो मुझे बहुत ही आज मन कर रहा था। बहुत टेस्टी है। हाय गाइस, सो माय डिनर इज ओवर एंड आई एम जस्ट वॉचिंग डिबेट, अर्णब गोस्वामी का डिबेट, दैट इज सुशांत कवर अप। आई एम सो इनटू दिस केस, इनटू दिस मैटर, आई कांट इवन टेल यू। मुझे ड्रीम्स भी वैसे सब आ रहे हैं। आई एम सो इनटू इट, आई एम ऑलवेज वॉचिंग ट्विटर कि क्या हुआ है, हैशटैग कौन सा चल रहा है, सुशांत कवर अप, डेथ मिस्ट्री, ओ माई गॉड, आई एम सो इनटू इट। यूट्यूब पे मैं सिर्फ वही वीडियोज देख रही हूँ आजकल। आई एम लाइक, इट हैज़ स्टार्टेड रियली अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ, माई ओन मेंटल हेल्थ। आई डोंट नो वॉट वेयर दिस केस इज हेडिंग टूवर्ड्स, वॉट आर द कॉन्स्पिरसीज एंड एवरीथिंग। दिस केस हैज बिकम अ मिस्ट्री। आई रियली होप दैट यू नो ट्रूथ विन्स, वॉट एवर इट इज। वी ऑल आर सो क्यूरियस टू नो दैट वाई somebody would do that, somebody who is so positive in life would do that, but I'm so into it. I mean, I invest a lot of time. If you are also like me, do let me know in the comments below. And yeah guys, so it is around 10:30 right now. I'm just watching the Arnab Goswami ka debate. After that I'm gonna start editing my video. I don't know if I will be able to upload a video tomorrow or not. That is it for today's video guys. It was quite a different day in my life because it was a virtual inauguration session, and also we have sessions in the upcoming days as well. Our classes are going to start from 10th August. So yeah, that is the update, and thank you so much for watching. I'll see you in my next vlog or video. If you like this video for whatsoever reason, please hit the like button and subscribe to my channel for more such videos, and also comment down below what did you like about this video or what further videos you want me to make. I'll see you in my next video. Till then, bye.